नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। दिल्ली शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। ईडी ने कहा कि दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल इस पूरे घोटाले के सरगना मुख्य षड्यंत्रकर्ता हैं। ईडी ने केजरीवाल पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाया। ईडी ने कहा कि विजय नायर कैलाश गहलोत के दिए गए बंगले में रह रहा था, नायर केजरीवाल के लिए काम कर रहा था, वो केजरीवाल का बेहद करीबी है। ईडी ने अरेस्ट किए गए आरोपियों और गवाहों के बयानों का हवाला दिया। ईडी ने कहा कि केजरीवाल चुनाव के लिए गोवा पंजाब के लिए फंडिंग चाहते थे। ईडी ने आगे कहा कि ये मामला कोई 100 करोड़ का नहीं बल्कि 600 करोड़ रुपए तक की पहुंचने की उम्मीद है। दिल्ली शराब नीति में कथित घोटाले को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर अन्ना हजारे ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि बहुत दुख हुआ कि अरविंद केजरीवाल जैसा आदमी जो मेरे साथ काम करता था और शराब के बारे में हम लोगों ने आवाज़ उठाई थी, आज वो शराब नीति बना रहा है। इसका मुझे दुख हुआ, लेकिन करेगा क्या, सत्ता के सामने कुछ नहीं कर सकता। आखिर उसको जो गिरफ्तार किया गया है, नाटक हुआ वो उनकी कृति से हुआ। अभी कानून के तौर पर जो होगा वो होगा, सरकार देखेगी वो सोचेगी। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर अन्ना हजारे ने कहा कि केजरीवाल ने उनकी बात नहीं मानी इसलिए गिरफ्तार हो गए। उन्होंने कहा कि जब अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया उनके साथ थे तभी उन्होंने कहा था कि देश की भलाई को पहले रखना, लेकिन उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी सिर्फ धमकी देने के लिए की गई है, उन्हें गिरफ्तार करने के लिए कोई सबूत नहीं है। मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्यों गिरफ्तार किया है, यह लोकतांत्रिक है और यह दिखाता है ये तानाशाही सरकार है। बीजेपी ने दिल्ली की शराब नीति से जुड़े कथित घोटाले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर अपनी प्रतिक्रिया दी। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि कानून से देश चलता है, केजरीवाल साहब कानून को धता बता रहे हैं जबकि ये खुद संवैधानिक संस्था के उच्च स्तर पर बैठे हैं। अगर ये सम्मान नहीं करेंगे तो कौन करेगा। इन्हें 10 समन मिले, इसके बाद भी हाईकोर्ट चले गए, हाईकोर्ट ने इन्हें बरी नहीं किया। इससे साफ जाहिर होता है कि इनके चेहरे पर अब बेनकाब होने लगे हैं। बीजेपी नेता और पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता समित पात्रा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से घमंड चूर हो गया है। समित पात्रा ने कहा कि गिरफ्तारी से पहले केजरीवाल कह रहे थे बतौर मुख्यमंत्री उन्हें समन कैसे भेजा जा सकता है, लेकिन आज उनका घमंड टूट गया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि कुछ दिन पहले तक आम आदमी पार्टी शुचिता की राजनीति की बड़ी बड़ी बातें करती थी, ज्ञान बांटती थी और अब भ्रष्टाचार से भागने का काम कर रही है। अब कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चलाएंगे। ये दिल्ली की जनता का, कानून का और लोकतंत्र का अपमान है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बीआरएस की नेता के कविता को तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया। हाल ही में ईडी ने उन्हें दिल्ली शराब नीति में कथित घोटाले के आरोप में हैदराबाद से गिरफ्तार किया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को ईडी द्वारा गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस ले ली है। केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि आप सुप्रीमो याचिका वापस ले रहे हैं क्योंकि ये रिमांड से टकरा रही है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि मीडिया समेत सभी संस्थाओं पर कब्जा, पार्टियों को तोड़ना, कंपनियों से हफ्ता वसूली, मुख्य विपक्षी दल का अकाउंट फ्रीज करना भी असुरी शक्ति के लिए कम था, जो अब चुने हुए मुख्यमंत्रियों की गिरफ्तारी भी आम बात हो गई है। वहीं कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने गुरुवार रात को केजरीवाल के परिवार से मुलाकात की और आरोप लगाया कि मोदी सरकार पर एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा कि चाहे हमारे अकाउंट फ्रीज करने की बात हो या फिर हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी की बात हो या फिर केजरीवाल की गिरफ्तारी की बात की, ईडी चुनाव के साथ जोड़कर ये कार्रवाई कर रही है। आप चुनाव से पहले किसी भी पार्टी का गला थोड़े घोंट सकते हैं। कांग्रेस के पूर्व नेता और जाने माने वकील कपिल सिब्बल ने तंज कसते हुए लिखा कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी ने यह दिखा दिया कि ईडी उसका सबसे वफादार बेटा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध करते हुए कहा कि बीजेपी अहंकारी हो गई है और हर दिन लोकसभा चुनाव में अपनी जीत के खोखले दावे कर रही है। चुनाव से पहले वो हर दिन गैर कानूनी तरीके से विपक्ष को कमजोर करने की कोशिश में लगी हुई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि डरा हुआ तानाशाह एक मरा हुआ लोकतंत्र बनाना चाहता है, इंडिया गठबंधन इसका माकूल जवाब देगा। दिल्ली शराब नीति मामले में गुरुवार को केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया, लेकिन इसी मामले में महीनों पहले हैदराबाद की एक कंपनी के मालिक ने गिरफ्तारी के बाद चुनावी चंदा देना शुरू कर दिया था। फिर वही सरकारी गवाह बन गए और इसके बाद तो उन्होंने और भी चंदे दिए। उनकी और ऐसे ही आरोपियों की गवाही के आधार पर आम आदमी पार्टी के नेताओं पर भी कार्रवाई हुई। चुनाव आयोग द्वारा जारी चुनावी बॉन्ड डेटा से पता चला कि उसी मामले में आरोपी एक अन्य व्यक्ति पी शरत चंद्र रेड्डी से जुड़ी एक कंपनी ने 2022 में
बीजेपी को 5 करोड़ रुपए का चंदा दिया था। रेड्डी को ठीक 5 दिन पहले ही हिरासत में लिया गया था। दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में रेड्डी के सरकारी गवाह बनने के बाद भाजपा को 25 करोड़ रुपए से ज़्यादा चंदा दिया गया। ये कंपनी हैदराबाद में है। व्यवसायी शरत रेड्डी अरबिंदो फार्मा लिमिटेड के निदेशकों में से एक हैं। उन्हें 10 नवंबर 2022 को शराब घोटाला मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था। न्यूज़ लॉन्ड्री, स्क्रॉल और न्यूज़ मिनट ने एक साझा रिपोर्ट में कहा है कि उनकी कंपनी अरबिंदो फार्मा ने 15 नवंबर को 5 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड खरीदे थे। इन सभी को 21 नवंबर 2022 को भाजपा ने भुना लिया। शरत रेड्डी जून 2023 में दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में सरकारी गवाह बन गए। नवंबर 2023 में अरबिंदो फार्मा ने भाजपा को 25 करोड़ रुपए और दिए। कुल मिलाकर कंपनी ने 52 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड खरीदे, जिनमें से 34.5 करोड़ रुपए भाजपा को मिले। हैदराबाद स्थित मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने बीजेपी को 584 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। इस कंपनी ने अपने कुल डोनेशन का 60% बीजेपी को दिया है। ये किसी भी डोनर का किसी एक पार्टी को दिया गया सबसे बड़ा चंदा है। इसके अलावा इस कंपनी ने 195 करोड़ रुपए तेलंगाना में केसीआर की पार्टी बीआरएस को दिए। ये रकम उसके कुल डोनेशन का 20% है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन की पार्टी डीएमके को इसी कंपनी से 85 करोड़ रुपए मिले। इसी के सहायक कंपनी वेस्टर्न यूपी पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड ने 110 करोड़ रुपए का चंदा कांग्रेस को और 80 करोड़ रुपए का बीजेपी को दिया। वहीं लॉटरी किंग नाम से मशहूर सेंटियागो मार्टिन की फ्यूचर गेमिंग और होटल सर्विसेज पीआर ने सबसे ज़्यादा टीएमसी को 542 करोड़ रुपए का चंदा दिया। फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज ने 1368 करोड़ रुपए की कीमत के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे थे। इस रकम का 39.6% हिस्सा ममता बनर्जी की टीएमसी को मिला है और इसके बाद डीएमके को 36.7%, जबकि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी को 154 करोड़ रुपए मिले हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी को इस कंपनी से 100 करोड़ रुपए मिले हैं। कांग्रेस को सबसे ज़्यादा चंदा वेदांता लिमिटेड से मिला है। इस कंपनी ने कांग्रेस को 125 करोड़ रुपए का चंदा दिया। वेस्टर्न यूपी पावर ट्रांसमिशन ने कांग्रेस को 110 करोड़ रुपए दिए, जबकि एमकेजे इंटरप्राइजेज ने कांग्रेस को 91.6 करोड़ रुपए दिए। सीबीआई ने पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने से जुड़े मामले में टीएमसी नेता महुआ मोहित्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए। समाचार एजेंसी पीटीआई ने आधिकारिक सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि महुआ मोहित्रा के खिलाफ लोकपाल के निर्देश पर एफआईआर दर्ज की गई है। बीजेपी नेता और लोकसभा सांसद निशिकांत दुबे की ओर से पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के आरोप लगाए जाने के बाद सीबीआई ने महुआ मोहित्रा के खिलाफ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी शुरू की गई थी। जांच के निष्कर्षों के बाद लोकपाल ने सीबीआई को महुआ मोहित्रा के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट की दखल के बाद तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि आज डीएमके के विधायक पोन मुडी को मंत्री पद की शपथ दिलाएंगे। न्यूज़ वेबसाइट द हिंदू के मुताबिक राज्यपाल की तरफ से पेश हुए अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पोन मुडी को 22 मार्च के दिन दोपहर 3:30 बजे शपथ के लिए बुलाया गया है। राज्यपाल ने साफ किया है कि कोर्ट को नज़रअंदाज करने की उनकी कोई मंशा नहीं है। इससे पहले राज्यपाल ने पोन मुडी को उच्च शिक्षा मंत्री के रूप में शपथ दिलाने से इनकार कर दिया था। उनका कहना था कि ऐसा करना संवैधानिक नैतिकता के खिलाफ है, जिसके बाद सीजेआई डी वाई चंद्रचूड ने कहा था कि राज्यपाल के आचरण को लेकर वो चिंतित हैं। उन्होंने कहा था वो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अवहेलना कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आजम खान से जेल में मुलाकात की। सपा नेता आजम खान से मिलने के बाद मीडिया से बातचीत में अखिलेश यादव ने कहा, मैं अभी मिलकर आ रहा हूँ, जेल तो जेल ही है, अकेलेपन में कोई रहे जेल की अपनी परेशानियाँ होती हैं, वो तो फेस करनी पड़ती हैं, हमें उम्मीद है कि उन्हें और उनके परिवार को न्याय मिलेगा। उन्होंने कहा कि आदरणीय मोहम्मद आजम खान साहब के साथ लगातार अन्याय हो रहा है, ये भी अमानवीय एक्टिविटी है सरकार की। आज शुरू हुए आईपीएल के पहले मैच में चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला होने जा रहा है। चेन्नई के एमएस चिदंबरम स्टेडियम में खेले जा रहे मैच में चेन्नई सुपर किंग्स का नेतृत्व ऋतुराज गायकवाड़ करेंगे। अब तक की सुर्खियों में इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।